फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाले हैं कि फेसबुक अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं और डिलीट करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो मैं शिवम आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल शिवम कुशवाहा में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि वन क्लिक में आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर सकते हो, बट कैसे डिलीट कर सकते हो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपके नाम पर 5 से 10 अकाउंट क्रिएट हैं और आप उसमें से केवल एक ही अकाउंट यूज करते हो, तो मैं आपको भाई सजेस्ट करूँगा कि आप जो अकाउंट यूज करते हो उसको छोड़कर जो बाकी सभी अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। क्योंकि यदि किसी ने आपके अकाउंट का एक्सेस ले लिया और फिर उसने लफड़बाजी कर दी तो आप प्रॉब्लम फंस सकते हो, क्योंकि फेसबुक के थ्रू ही बहुत से ज़्यादा क्राइम इस टाइम हो रहे हैं। लाइक जैसे कि आपका किसी ने अकाउंट का एक्सेस ले लिया और फिर वो किसी को गलत मैसेज कर देता है या कुछ भी माना कि, तो इसीलिए आप अपने जो अकाउंट यूज करते हैं उसी को आप रखिए, सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, और जो अकाउंट यूज नहीं करते हैं उनको परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। अकाउंट तो फेसबुक का फिर भी क्रिएट हो जाएगा, 1 मिनट नहीं लगता है फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो जो अकाउंट यूज़ नहीं करते उनको परमानेंटली डिलीट कर देना चाहिए। यदि आपके भी कोई ऐसे अकाउंट है जो आप यूज़ नहीं करते हो तो उनको परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। अब डिलीट कैसे कर सकते हैं तो इसी पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ले चलते आपको मोबाइल की स्क्रीन पर, फिर बताते हैं कैसा क्या प्रोसेस है, कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। आपको अपने फेसबुक अकाउंट को क्रोम ब्राउज़र पर लॉगिन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र पर लॉगिन करने के बाद आपको वीडियो के आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो आपको नीचे डिलीट वाले अकाउंट पर क्लिक करना है और उसी पर आपको क्लिक करने के बाद आपको रीज़न पूछकर किस रीज़न की वजह से आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो जो भी आपको रीज़न बेस्ट लगे आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें दिया है पहला, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, मैं फेसबुक पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर चुका हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। आई हैव अ प्राइवेसी कॉन्कर, मेरी प्राइवेसी कॉन्कर मतलब कि प्राइवेसी को लेकर फेसबुक ठीक नहीं लगता तुमको। आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक, तुम फेसबुक पर सेफ फील नहीं करते हो। तो आपको ऐसे ही आपको कोई सा भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने रीजन सिलेक्ट कर लिया, फिर आप इसमें लिख के आएगा यदि आप अपनी फेसबुक अकाउंट प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो प्रोटेक्ट भी करना कर सकते हो, यदि डिलीट करना चाहते हो कंटिन्यू पे टैप करें। तो कंटिन्यू पे टैप करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है और आपको इस पर डिलीट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपका पासवर्ड पूछेगा, जो कोई भी आपका पासवर्ड हो तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। ठीक है, अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू के टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो जैसे कि मैं आप इसमें पासवर्ड फिल कर देता हूँ, पासवर्ड फिल करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू पर टैप किया तो इसमें आ गया कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन, कि आप अपने अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है कि यदि आप अपने अकाउंट को डिलीट के लिए डाल देते हो फिर यदि उसको यदि आप आने वाले 30 दिनों के अंदर रिकवर करना चाहते हो तो उसको रिकवर कर सकते हो। यदि 30 दिन के बाद फिर आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे, फिर ना ही आप उसका एक्सेस ले पाओगे, आप उसका एक्सेस खो दोगे। तो आपको कन्फर्म डिलीट पर क्लिक करना है और आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट शेड्यूल में चला जाएगा। अब इसको अपने अकाउंट को इसको 30 दिनों के लिए आपको छोड़ देना, मतलब कि भूल जाना, आपको अकाउंट तो भूल ही जाना है क्योंकि डिलीट हो गया, तो आप इसको भूल जाइए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, टाटा बाय।